very happy about I'm very proud of being doing the finale. मतलब एक काफी I think एक काफी prestige का और एक बहुत ही important चीज मानी जाती है किसी भी fashion week का finale करना, खासकर Lakme fashion week का. हमारी collection is based on Lakme के ने एक नया जो collection बनाया है absolute fast and fabulous करके है उसका नाम. और मेरी अपनी कलेक्शन का नाम अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, बिकॉज वो अभी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है. उसको पूरा टाइटल अभी पूरा नहीं मैंने दिया कोई, बट समर रिजॉर्ट जो कि इस थीम है उससे मैं थोड़ा सा अलग कलेक्शन कर रहा हूँ. तो काफ़ी ग्लैमरस कलेक्शन है, काफ़ी ये एक हाई फैशन जिसको हम फैशन की भाषा में कुट्योर बोलते हैं उस थीम का कलेक्शन है. इवनिंग वेयर है, बट मैं काफ़ी कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि ये खासकर बॉम्बे के वेदर के लिए बहुत सूटेबल हो. ज़्यादातर हम इंडियन क्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोस्टली हैंडवर्क एंड इंडियन क्राफ्ट विद वेरी वेरी मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी ट्विस्ट. द शो एज लास्ट सीजन इज गोइंग टू बी अबाउट द फ्यूचर ऑफ फैशन एंड द आइडिया दैट there are so many things that go into making up fashion. What happens behind fashion is what we don't see, but the show is an idea incorporating the vision of DHL with Narendra Kumar, in that we are international. The show is about a personality who is international, travels many continents, and the show is going to be a very fun show. Only thing I can say is that last time I sang, this time I will not sing. Hamare fashion shows mein jab bhi hum, even if you are doing men's wear, Indian textiles har bar humne, aap agar dekhen last show mein dekhen, pura शो इंडियन टेक्सटाइल से ही बना हुआ था. काफ़ी सारे इंडियन ब्रोकेट्स थे जो मेन्स वेयर के लिए हमने बनाए थे. सो वी आर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटिंग इंडियन टेक्सटाइल, बट इट्स नाइस टू ब्रिंग, जैसे कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फोकस इंडियन टेक्सटाइल्स का.